सारे दर्शकों ने प्रियंका कुहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के डोड़ा गांव में, और आप जो भीड़ देखने लग रहे हो उधर से लेकर वहां तक, ये खिलाड़ी की जो कि पहलवान है नरेंद्र डोड़ा, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो कि न्यूजीलैंड में जीत का है, आप भी देख भी सकते हो, जो न्यूजीलैंड विदेश यात्रा से वापस लौटा है, तो उसके स्वागत में पूरा गांव वाला यहां पर इकट्ठा हुआ है और आपको भी बात करवाएंगे। राम राम सर। राम राम जी। सर पहले तो ये बताइए आप कहां से जीत के आए हैं? न्यूजीलैंड खेल के आए जी। हमने कौन सी कबड्डी में? सर्कल कबड्डी में जी। हाँ जी हाँ जी। तो सर कितने दिन पहले गए थे, कब वापस लौटे हो? मैं डेट भी ना पहले गया था। अच्छा। हाँ जी डेट भी ना खेल गया उधर। तो सर कितनी प्रतियोगिता हुई है? बढ़िया प्रतियोगिता हुई जी। कितनी? वहाँ पर हुई 8 मैच हुए कबड्डी, 8 टूर्नामेंट हुई थी। तो सर मतलब आप वहाँ से जीत के आए न्यूजीलैंड से, तो मतलब कौन सी पोजीशन रही, कितने क्या सारी डिटेल? 2-3 पोजीशन फर्स्ट भी रही जी, 1-2 सेकंड भी रही जी, सारा बढ़िया प्रदर्शन होया जी आप। हाँ सर आज गांव वाले स्वागत कर रहे हैं आपका, पूरा गांव इकट्ठा है और आपके चेहरे पे भी गुलाल लगा है, आपके गले में माला भी है, तो कैसा लग रहा है? बढ़िया फील हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। गांव ने सारा गांव ने बहुत शौक किया। कितने साल से खेल लग रहे हो? मैं 8-9 साल हो गए। सर अपनी और बता दो, कितना घी खाओ और कितने बादाम खाओ? घी बादाम जी बढ़िया खावा जी, फुल छिक्का घी बादाम खावा जी। गांव वाले कहना यही करा, मेहनत करो, बढ़िया बढ़िया खाओ पियो, बढ़िया हिलो। हाँ फिर और गांव का इतना शौक है जी, और भी मेहनत करेंगे बालक, मैं भी और ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत सलाह जी, और आगे बढ़िया खेल दिखावांगे। देखो सब नु कोई आग्रह, मतलब कोई भी कुछ जीतता है कुछ अचीव करा तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ हुआ है? सारा गांव का हाथ है जी। न्यूजीलैंड गए जी, बबलू कुरुक्षेत्र है अपना, बहुत प्रमोटर है, बहुत सपोर्ट करा खेल लाने की जी, उसकी वजह से उधर गए, और घर पर उसका काला हरी गटकंगड़ा उसके गले आ रही है अपनी, और उस नाल खेलता उस गले बबलू कुरुक्षेत्र गले लिंक हो गया उसके करके, ओड़ा खेले, बढ़िया प्रमोटर है, बहुत अच्छा प्रमोटर है, सारे बंदे हरियाणा के जिन्ने हैं सारे नो लेता। फ्लाइट आपकी आज ही आई न्यूजीलैंड से? क्या जी? फ्लाइट हाँ जी आज ही आई। आज ही आई। हाँ जी। युवा है ना आज के युवा जो नशे की चपेट में है, मतलब खेल की कूद की तरफ कम है और नशे की तरफ ज्यादा? नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ऊँ भी फुआ है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है नशे वाली बात, थोड़े बहुत ऊँ ज़्यादा फुआ भी है जी, इतनी बात नहीं है, थोड़ी बहुत चोट फेट लग जाए प्लेयर का, कुछ गोली पट्टी लेनी पड़ जाए, उसमें दूसरा तौर में उसने फुआ प्लेयर का बड़ा वो कहते हैं। नहीं सर वो आपकी जैसे खिलाड़ियों की बात नहीं है, लेकिन वैसे जो आम युवा है वे भी नशे की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, वो गलत कर रहे जी, बहुत करना नहीं चाहिए जी ऐसा, मेहनत करो बढ़िया, अपनी सेहत ने बढ़िया रखो, बढ़िया काम करो जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। मैं सोकी कोतकलां जी, कबड्डी प्लेयर जी। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे नरेंद्र डोड़ा भाई? पहले थोड़ी इंजरी हो गई थी, अब इंटरनेशनल प्लेयर बन के आया है, जो अपने बबलू कुरुक्षेत्र प्रमोटर भाई साहब, काला रिगड है, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को ये सलूट है कि भाई हाँ ये प्लेयर बन के आया है, और जो नौजवान युवा है उनका भाई नसद है वो भाई कि हाँ प्लेयर बन के आओ, भाई अपना नशा छोड़ो, जो छोटा मोटा जो और करे हैं, तो गांव वाले ने भी यह सीख मिलेगी कि भाई हाँ बहुत बढ़िया हुआ है गांव में, सारा गांव का शौक है डोड़ा गांव का, और डोड़ा में और भी बहुत बढ़िया प्लेयर हुए, बहुत अच्छा। हेलो जी तो मतलब सर्कल कबड्डी में नरेंद्र डोड़ा जीत का आया है न्यूजीलैंड, तो उनका बातचीत हुई है और पूरे गांव ने स्वागत किया है, और स्वागत करके गांव वाले उन्हें गांव में लाए हैं, कंडेला गांव से उसका स्वागत किया गया, और बाइकों पर कुछ युवा गाड़ियों में यहां पर उसको लेके पहुंचे हैं एक बड़ी धूमधाम से ढोल बाजे के साथ, और सारे गांव में खुशी की लहर है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब सब खुशी है, 36 बिरादरी साथ में है, तो सब है। तो मतलब आपको ऐसे खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना जो लगातार हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते आ रहे हैं, तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।